आज हम लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल और क्षारकों की पहचान करेंगे। ये है लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर और गुलाब लिटमस पेपर, ठीक है। इससे हमारे पास ये कुछ विलयन है, इनको देखेंगे कि ये अम्लीय है कि क्षारकीय है। ये नीला लिटमस पेपर और ये लाल, ये पट्टियां हैं इसकी और ये हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक सूचक है। ये हमारे पास कुछ विलयन हैं, खाने के सोडे का विलयन, चूने का पानी, नमक का घोल, ये हमारा दही, नींबू का रस और ये इमली का पानी। इनको हम देखेंगे कि ये अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खाने के सोडे का विलयन, ये है लाल लिटमस पर। इसमें हम डालेंगे और देखेंगे इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। ये देखिए कैसा हो गया, ये नीला। मतलब ये कैसा है, घोल क्षारीय है। ये घोल चूने का पानी। इसमें हमने ये लाल लिटमस पेपर डाला, देखो इसके रंग में परिवर्तन हो गया, कैसा हो गया ये नीला। मतलब ये चूने का पानी क्या है, क्षारीय है। पी के पानी में हमने नीला लिटमस पेपर डाला, देखिए इसका रंग कैसा हो गया, लाल। मतलब दही कैसा है, अम्लीय है। अब इसमें हमने नीला लिटमस पेपर डाला, देखो ये कैसा हो गया, लाल। नींबू का रस अम्लीय है। इमली का पानी, इसमें हमने ये नीला लिटमस डाला, कैसा हो गया, लाल। यानी ये इमली भी कैसी है, अम्लीय। देखो ये खाने का सोडा, ये क्षारीय है। इसमें लाल लिटमस नीला हो गया, लेकिन हम नीला लिटमस डाल के देखते हैं क्या होता है। इसमें हमने नीला लिटमस डाला, देखो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब ये क्षारीय है, इसलिए इसमें नीले लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दही है, ये अम्लीय है। अभी हमने देखा इसमें क्या हुआ था, नीला लिटमस लाल हो गया था। अब हम इसमें लाल लिटमस डाल के देखेंगे क्या होता है। इसमें हमने लाल लिटमस डाला तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर अम्लीय में हम लाल लिटमस डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, और नीला लिटमस डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, ठीक है। ये है नमक का घोल, इसमें हमने लाल लिटमस पेपर डाला, इसके रंग में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस नमक के घोल में हमने नीला लिटमस पेपर डाला, इसके रंग में परिवर्तन हुआ नहीं। यानी इसमें ना तो लाल नीला हुआ, ना नीला लाल हुआ। आप उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर क्षारक में नीला हो जाता है।